जय श्री गणेश, जय माता दी। दर्शकों, आज का जो ये सेशन एपिसोड होने जा रहा है बेहद खास है। सन 2023 में मेष से लेके मीन तक की राशियों का एक सांचा गणना तैयार करिए, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, उसको बड़ा ध्यान से आप सुनिएगा। देखिए, एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, वो होगा आपका सन 2023 में 17 जनवरी को भगवान श्री शनिदेव महाराज का और जे कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद में क्या बोलते हैं, 23-24 अप्रैल में देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन होके देवगुरु बृहस्पति जो है आपके मेष राशि में चले जाएंगे। ये साल के दो बहुत बड़े परिवर्तन होंगे। तो बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि की जो जनवरी की शुरुआत होगी, जनवरी और फरवरी और मार्च, इसमें थोड़ा सा खर्चा ज्यादा रहेगा इनकम के अकॉर्डिंग। और ये जो उपाय है राशियों के, वो भी आप संग संग में आप नोट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे क्या, मेष राशि वालों को एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा, इस सन 2023 में वह जो है कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना करें। और जो आपके पार्टनर हैं, जो आपका जीवन साथी है, उनका मान सम्मान जरूर करें, साथ ही साथ स्त्री वर्ग का भी सम्मान करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो धन की तरफ से आपको दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी, नंबर वन। और नंबर टू क्या है, नित्य आपके जो भी इष्ट आराध्य हैं, जिनको आप मानते हैं, उनकी आप पूजा सेवा करते रहें। विशेष उपाय यह है कि प्रत्येक बृहस्पतिवार को लक्ष्मी नारायण मंदिर में आप केले का दान करें या गौ को केला खिलाएं। ये एक उपाय आपको विशेष पूरे साल करना है। और यकीन मानिएगा कि आपके जीवन के अंदर जो दिक्कतें परेशानी है वो कम होंगी, उन्नति के मार्ग खुलेंगे। साथ ही साथ एक थोड़ा सा एक चीज को रोकना होगा, अगर आप नॉन वेज यानी मीट मछली मुर्गा अंडा या शराब का सेवन करते हैं, कोशिश ये करिए अगर इसको आप छोड़ दें तो ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि अप्रैल से देवगुरु बृहस्पति आपके जिसको बोलते हैं लगन, चंद्र लगन यानी चंद्र राशि के लगन से गुजरेंगे, तो ये जैसे ही आप खाओगे तो आप नुकसान में जाओगे, इसलिए हम पहले बता दे रहे हैं आपको। दूसरे नंबर पे राशि आती है वृषभ। तो वृषभ राशि के जो वृषभ राशि आती है दूसरे नंबर पे, तो वृषभ राशि में ये है कि इनका जो ये साल है वो खर्चों से भरा हुआ है। खर्चे ज्यादा हो सकते हैं और साथ ही साथ क्या है कि जीवन साथी से मनमुटाव बन सकता है। कार्य क्षेत्र इनका अच्छा रहेगा, कार्य में इनकी उन्नति होगी, लेकिन ये उन्नति इस प्रकार की होगी, ये जब चाहेंगे तब नहीं हो पाएगी, थोड़ा समय लगेगा। लव लाइफ में थोड़ा सा ध्यान दें, घर परिवार को पकड़ के चलें। अगर आपके माता पिता हैं तो उनकी सेवा जरूर करिएगा। और एक विशेष बात यह है कि जो गुप्त शत्रु हैं, मतलब इस पूरे काल में आपको एक बात ध्यान रखना है इस पूरे एक वर्ष में, कि किसी पे भी एकदम आंख बंद करके वृषभ राशि वाले लोग जो है भरोसा ना करें। विशेष उपाय यह है कि प्रत्येक शनिवार को लूले लंगड़े अपाहिज अपंग विकलांग लोगों की मदद करें और कुत्तों को खाने को दें, चाहे बिस्कुट है, चाहे रोटी है, चाहे ब्रेड है, जरूर खाने को दें। मिथुन राशि, मिथुन राशि सन 2000 जो है क्या बोलते हैं
मिथुन राशि सन 2023 में दाम्पत्य जीवन इनका बहुत अच्छा रहेगा। लव के मार्ग खुलेंगे, अगर जो लोग प्रेमी हैं उनके लव के मार्ग खुलेंगे, साथ ही साथ लाभ के भी मार्ग खुलेंगे, और जो काम अभी तक अधूरे रह गए थे वो सब काम अब इनके पूरे होंगे। जीवन में जो कष्ट थे वो समाप्त होंगे। खास करके उनको अपने पेट का जरूर ध्यान रखना होगा, जो पेट का अगर सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है तो ध्यान रखना होगा। और एक बात का वैसे ध्यान रखना होगा, खाने पीने में थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना होगा। विशेष उपाय क्या है कि हरिद्रा गणेश जो मां बगलामुखी के संग में चलते हैं उनकी आराधना करें, पूरा साल आपका बहुत अच्छा जाएगा। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि का ये समय जो है थोड़ा डिस्टर्ब है, क्योंकि ढैया भी लग गई साहब 17 जनवरी से, तो मानसिक तनाव रहेगा। मानसिक तनाव और घर में ग्रह कलेश बन सकता है, पार्टनर से थोड़ा सा झगड़ा हो सकता है, ससुराल पक्ष से भी झगड़ा हो सकता है। तो इसके लिए आप एक काम बिल्कुल करें, आप दो काम करें यहाँ पर, एक नहीं दो। एक तो नित्य आप भगवान शिव की आराधना करें, और दूसरे नंबर पे क्या है कि प्रत्येक शनिवार अगर आपके आसपास महाकाली माता का मंदिर है वहां जाएं, दर्शन पूजन करें, उसके बाद शनिदेव महाराज का दीपक जलाएं। एक हिदायत, सवेरे जल्दी उठें, चाहे नहाए हो या बिना नहाए, सूर्य के दर्शन जरूर, रुकते हुए सूर्य के दर्शन करें। आप यकीन मानिए अगर ये तीन काम आप कर लेते तो आपके जीवन के जो कष्ट हैं वो काफी हद तक कम हो जाएंगे। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि का पूरा साल कैसा बीतने वाला है? सिंह राशि का पूरा साल बहुत अच्छा बीतने वाला है, लेकिन बस एक बात का विशेष ध्यान रखना कि सिर से संबंधित प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप थोड़ा सा और ध्यान दे दीजिएगा। खान पान में लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा, और फालतू की टेंशनों को अपने दिमाग से दूर रखिएगा। इसी के साथ साथ मेहनत में बिल्कुल मत चूकिएगा, क्योंकि ये समय आपको संघर्ष से आगे बढ़ा सकता है। मुख्य उपाय सिर्फ आपको तीन करने हैं। पहला उपाय क्या करना है, उगते हुए सूरज को देखना। अगर कोशिश ये करें सुबह नहा के अगर आप एक लोटा जल सूर्यदेव को प्रदान कर दें तो बहुत सर्वोत्तम रहेगा। दूसरे नंबर पर प्रत्येक बृहस्पतिवार को अपने हाथ से गऊ को केले खिलाएं या लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रदान करें। तीसरा उपाय यह है कि प्रत्येक शनिवार और अमावस्या पर आप जो है विकलांग अपाहिज लूले लंगड़े अपाहिज लोगों की मदद करें, भोजन से वस्त्र से जैसे चाहे वैसे आप करें, आपका साल बहुत अच्छा निकल जाएगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि वाले लोग एक बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें पूरे साल के अंदर, कि जो जिन पे आप बहुत ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, विश्वास करना अच्छी बात है लेकिन उन पर थोड़ा सोच समझ के आप विश्वास कीजिएगा। अगर आप एकदम आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं तो आपके संग थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ क्या है कि एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि पूरे साल आपको लक्ष्मी और गणेश जी की आराधना करते रहना है। लक्ष्मी जी और गणेश जी की अगर आप आराधना करते रहते हैं, और जो भी आप अपनी इनकम कहीं से भी अर्जित कर रहे हैं या जो आपको पैसा कहीं से मिल रहा है उसका कुछ हिस्सा निकाल के अपनी श्रद्धा अनुसार प्रत्येक पूर्णमासी और प्रत्येक अमावस्या पे गौशाला में जाके अपने हाथ से उनको जो गऊओं की जो सेवा होती है, चाहे उनकी मेडिसन हो गई, दवा हो गई, चाहे उनका चारा हो गया, चाहे उनका चोकर, वो अपने हाथ से लेके दें, ना कि पैसा देते हैं, ठीक है ना। तुला राशि के लिए ये साल अच्छा रहेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, सिर के दर्द को और माइग्रेन को और याददाश्त की जो स्थिति है उसको मजबूत करने के लिए थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। दूसरे नंबर पे क्या है, अगर बात करी जाए इनकम की, तो इनकम पूरे साल आपकी फ्लक्चुएट रहेगी। साथ ही साथ क्या है कि अगर आपकी संतान है या संतान होने वाली है
ठीक है, या संतान के लिए थोड़ा कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा सा मामला डिले होगा। तो इन सब चीजों को सही करने के लिए क्या है कि प्रत्येक शुक्रवार को महालक्ष्मी माता का पूजन करें, गणेश जी के संग में करना चाहें गणेश जी के संग में, या नारायण जी के संग में चाहें नारायण जी के संग में आप जो है पूजन करें, और प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करें। बस इतना काम करने से आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि में क्या है कि भैया इन पे ढैया लगने वाली है 17 जनवरी से। तो पहली चीज मानसिक तनाव बनेगा क्योंकि शनिदेव की दृष्टि बढ़ रही है साहब, ठीक है ना। और यहां पर एक बात और भी है कि मंगल की राशि है और मंगल और शनि आपस में बैर रखते हैं, तो यहां पर आपको मानसिक तनाव से थोड़ा बच के रहना होगा, पहला काम। दूसरे नंबर पे आपको एक काम और करना होगा कि प्रत्येक दिन कोशिश ये करें आप घर से निकलें, पहले हनुमान जी के मंदिर जाएं, दर्शन करें, समय है तो आपके पास 40 का पाठ करें, उसके बाद आप काम पे निकलें, ठीक है ना, काम पे निकलें। और शाम को घर पे आने के बाद में जब आप लेटे आराम से तो नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय या षडाक्षरी या पंचाक्षरी मंत्र का आप कम से कम 10 जाप करें, उसके बाद लेटे। प्रत्येक जो है बृहस्पतिवार को आपके जो इष्ट अराध हैं उनके मंदिर जरूर जाएं, अगर हनुमान जी हैं तो सर्वोत्तम है, वहां तो आप रोज जा ही रहे हो, और केले का भोग लगवाएं। और इसके साथ साथ एक बात का आपको और ध्यान रखना है, वो ये कि प्रत्येक शनिवार को आपको विकलांग लोगों की बहुत ज्यादा कोशिश करके आपको मदद करनी होगी। धनुराशि, धनुराशि के लिए ये समय बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि 17 जनवरी से इनकी 7.5 उतर रही है, और धनुराशि को बस एक ही चीज का विशेष ध्यान रखना है कि भाई पूरे साल आपको अपना पेट से संबंधित अगर कोई रोग है तो उसका बड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। और साथ ही साथ आपको एक काम और करना है जो ये है कि लक्ष्मी नारायण की आराधना पूरे साल भर आपको करते रहना है, ठीक है। अगर सिर्फ आप इतना काम कर लेते हैं, पेट को बचा के रख लेते हैं, तो सभी समस्याओं का अंत होगा। साथ ही साथ कोशिश ये करें कि सुबह जल्दी उठे और सूर्यदेव को जल्दी दें। मकर राशि, मकर राशि के लिए ये जो साल रहेगा इस साल के अंदर वह अपनी वाणी को थोड़ा सा संभाल के चलें क्योंकि अंतिम चरण है शनिदेव महाराज का आपके 7.5 का। दूसरे नंबर पे क्या है कि पैसे का जो खर्च है वो सोच समझ के करें क्योंकि पैसा जाएगा तेजी से लेकिन आते हुए समय लग जाएगा। कोशिश ये करें कि अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं या कोई ऐसा शनि देव का सिद्ध पीठ है तो वहां जाके आप जो पूजा अर्चना जरूर करवाएं, उनके नाम का हवन अमावस्या पे जरूर करवाएं। अमावस्या पे कोड़ी अपाहिज लंगड़े लूले लोग असहाय लोग उनकी मदद जरूर करें, और जो आपके पास आय आ रही है उसका एक हिस्सा बना दें कि मुझे लगातार 40 शनिवार या 41 शनिवार या 10 अमावस्या या 5 अमावस्या मैं लोगों की मदद करूंगा, उसमें आप मदद करें, यकीन मानिएगा आपके संग में जो भी दिक्कतें हैं वो परेशानी कम हो जाएगी। और साथ ही साथ आप जो है महालक्ष्मी और महाकाली की आराधना संग संग करें, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। बात करते हैं अब कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि महाराज आपकी लगन से ही शनिदेव महाराज गुजरेंगे, तो जो एक चीज आप समझ लीजिएगा कि आपके जो भी काम है सब डिले होंगे। तो सबसे पहली चीज आप धैर्य ना छोड़ें। दूसरे नंबर पे क्या है कि एक बात का और आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि अगर आपको अपने भाग्य का पूरा साथ लेना है, एक तो 7.5 भी चल रही है, तो सबसे पहली चीज आपके अंदर जो एक अगर बुराई है कम या ज्यादा किसी के प्रति घृणा आलस जलन या किसी की चुगली करना है, सबसे पहले आप ये बंद कर दें। दूसरे नंबर पे क्या है वो ही उपाय महत्वपूर्ण उपाय, रोज रात को लेटने से पहले आप जो है जो गली के कुत्ते होते हैं उनको जो है बिस्कुट जरूर दें। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ कुत्ते नहीं हैं तो आप बिस्कुट का पैकेट रोज एक टॉक्स के नाम से निकाल के अलग कर दें, जब कभी भी आपको मौका मिले या कोई भी व्यक्ति जो आपके मोहल्ले में डॉग्स पालता हो, आपके घर के डॉग्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई बाहर पालता हो
उसको वो बिस्कुट जरूर दे दें। ठीक है, डेली आपको ये काम करना है। दूसरे नंबर पे क्या है, प्रत्येक शनिवार को लूले लंगड़े अपाइच कोड़ी लोगों की बफो मदद करना है। ठीक है, अगर आपके पास पास अनाथालय ये चीज़ नहीं है तो पैसा आप इकट्ठा करके रख लीजिएगा, बाद में आप पहुँचा दीजिएगा सामान। ठीक है, और साथ ही साथ आपको जो है माँ भगवती जगत जगदम्बा माता महाकाली की पूरे साथ आपको आराधना करना है। आपके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे और आपको नई राह मिलेगी। मीन राशि, मीन राशि के व्यय स्थान पर शनिदेव महाराज हैं और लाभ स्थान पर देवगुरु बृहस्पति हैं। तो जिस प्रकार से पैसा आएगा उस प्रकार से पैसा जाएगा साहब। तो इसको रोकने के लिए क्या है कि आपको पूरे साल के लक्ष्मी नारायण की आपको आराधना करनी है। किसी की चुगली चोरी या जितने भी गलत काम है सब आपको बंद करना है। और साथ ही साथ प्रत्येक शनिवार को अमावस्या पर लूले लंगड़े अपाइश लोगों को आपको धन से भोजन से वस्त्र से मदद करना है। बस ये दो तीन आप काम कर लीजिए जो मैंने आपको बताया। और साथ ही साथ कोशिश ये करिए कि पूरे साल आप जो हैं सुबह जल्दी उठें और शाम को जल्दी सोएं। जय माता दी। पूरे साल का एक खाका जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं, सिर्फ दो तीन उपाय हैं हर किसी राशि में, वो आप कर लेते हैं यकीन मानिए पूरा साल आपका अच्छा निकल जाएगा। ये चंद्र राशि, इसके संग में क्या होता है कि कुंडली के अंदर महादशा चलती है, उसमें अंतरदशा चलती है, कुंडली के अंदर योगिनी दशा चलती है। अगर वहाँ पर कुछ गड़बड़ है इस उपाय को करने के बाद में, अगर आपको हाथ नहीं फैला रही वहां पर भी कुछ गड़बड़ है, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं, संपर्क करें, शुल्क देके 201 रुपये शुल्क है, कोई बहुत ज्यादा शुल्क नहीं है। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर, यही हमारा पेटीएम नंबर है, यही हमारा फोन पे नंबर है 90 12 95 17 57। जय माता दी।